The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello. So human bite. What do you know? What should you know about human bite? देखिए एक इंसान भी बाइट कर सकता है. वो जब बाइट करेगा तो जब इंसान दूसरे इंसान को बाइट करता है तो वो आपके स्किन को पंक्चर कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, फाड़ सकता है. यही चीज़ कोई डॉगी बाइट करेगा तो भी हो सकता है. बाइट सीरियस भी हो सकती है और क्योंकि उसमें एक इन्फेक्शन का रिस्क बहुत मेजर होता है. ऑब्वियसली किसी अगर किसी ने काटा या अगर आप किसी पर्सन जिसके टीथ या एक मान लीजिए कोई फिस्ट फाइट हो रही है, कोई झगड़े हो रहे हैं उसमें, या फिर कभी कभी कोई पर्सन को सीजर आ रहा है, किसी को झटके दौरे पड़ रहे हैं और आपने उसके मुंह में हाथ रख लिया कि मुंह दांत दबा रहा है, मुंह में हाथ रखे तो वो दांत से आपके काट देगा, तो ये भी पॉसिबल है. कई लोग अपने आप की जबान काट देते हैं फिट्स या दौरे या मिर्गी के दौरे पे. और ये बाइट्स बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. नॉर्मली बच्चे एक दूसरे को काटते हैं गुस्सा दिखाने के लिए, नेगेटिव फीलिंग्स होने पे. मेल्स लड़के ज़्यादा काटते हैं, राइट? मेल्स आर मोर लाइकली टू बी काटना. और मेल्स आर मोर लाइकली टू बी विक्टम्स ऑफ दिस. मेल कटवाते ज़्यादा है, मेल को ज़्यादा काटा जाता है, और ज़्यादातर 10 से 30 साल की उम्र में. और ह्यूमन बाइट जो है वो एनिमल बाइट से भी डेंजरस हो सकती है क्योंकि कई सारे जर्म्स होते हैं आपके मुंह में जो आपके जो मुश्किल होते हैं अगर उससे इन्फेक्शन हो जाए. और इवन आपको अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसने काट दिया जिसको हेपेटाइटिस सी है, HIV है, हेपेटाइटिस बी है, तो भी वो ट्रांसमिट हो सकती है बीमारी. सो ह्यूमन बाइट अगर होती है, स्किन पंक्चर हो रहा है या मेजर कट हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही हो सकती है, आपको पंक्चर वूंड हो सकता है, ब्रूजिंग हो सकती है, आपको इवन क्रशिंग इंजरी हो सकती है अंदर, और टेंडन या जॉइंट में भी इशू आ सकता है, कभी कभी उंगलियों के जॉइंट टैंग वो भी इशू आ सकते हैं. सो केयर कैसे करना है अगर आपको किसी ने काट दिया, बच्चे ने, बड़े ने, किसी ने काट दिया? सो अगर स्किन निकल गया है, स्किन ब्रेक हो गई है, तब तो हॉस्पिटल जाना चाहिए डॉक्टर के पास, वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपको क्या रखना है, पहले तो उस इंसान को, उस पर्सन को काम डाउन करना है और उस हाथ को अच्छे से उस जगह काटा है वहां पर अच्छे से साबुन पानी से धोना है. चाहे कोई भी हो, ह्यूमन बाइट हो, डॉग बाइट हो, साबुन पानी से धोना है. और अगर खून बह रहा है उससे तो उस पर प्रोटेक्टिव ग्लव पहन के धोएंगे, ठीक है? धोना फिर भी है, खून बह रहा है तो भी आपको साबुन पानी से धोना है, लेकिन अगर खून बह रहा है उससे तो ग्लव पहन के धोएंगे और उसके बाद आखिरी में अपने हाथ धो लेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट है उसको थरोली अच्छे से 5 या 10 मिनट के लिए धोना. जी हाँ, चाहे कुत्ते ने काटा है, इंसान ने काटा है, तो भी जानवर ने काटा है, किसी ने भी. इंसेक्ट बाइट अलग, वो हमने ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट? सो वूंड का क्या करना है? अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको उसके ऊपर प्रेशर से दबाना है, पट्टी नहीं करनी है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर देंगे एक क्लीन ड्राई कपड़े से या गॉज पीस से. डायरेक्ट प्रेशर देंगे, पट्टी नहीं करेंगे, प्रेशर देके खून रोक देंगे, ब्लीडिंग रुक जाएगी तो फिर वो हटा देंगे. आपको वूंड को वॉश कर लिया आपने सोप और वार्म वाटर, रनिंग वाटर से टैप के नीचे रख के धोना है अच्छे से. 3 से 5 मिनट के लिए अच्छे से धोना है, 10 मिनट के लिए अच्छे से धो सकते हैं. उसके बाद में एक एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाना है, बीटाडीन या टी बैक्ट, ऐसे ऑइंटमेंट वूंड पे लगाना है. इससे क्या होगा, चांसेस इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे. और एक अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो ब्लीडिंग के लिए उसको दबा के रखिए. और अगर थोड़ा सा वूंड है तो भी उसके ऊपर अलग से पट्टी नहीं करते हैं, ठीक है? ये याद रखिए, अगर डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर पहले उसके ऊपर इवैल्यूएट करके फिर वो पट्टी कर सकते हैं. मेडिकल अटेंशन आपको 24 घंटे के अंदर करनी है. अगर आपका वूंड डीप है, आपको स्टिचेस की जरूरत लग रही है कि पड़ सकती है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपने टिटेनस शॉट नहीं लिया है, टिटेनस का शॉट लेना पड़ता है, टीटी का इंजेक्शन लेना पड़ता है, कुत्ते ने काटा हो या इंसान ने काटा हो लेना पड़ता है, अगर आखिरी लास्ट 6 महीने में नहीं लिया है तो. और आपको एंटीबायोटिक्स भी लेने पड़ सकते हैं अगर वूंड ज़्यादा बड़ा है, और अगर बहुत गंदा वूंड है तो सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है.
ह्यूमन बाइट्स को इग्नोर नहीं करना है, ह्यूमन बाइट को जो भी वो होता है, जो भी जहाँ भी काटा उसको अपने मुंह में उल्टा नहीं डालना है, ये रिमेम्बर रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कॉम्प्लिकेशंस में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी टेंडन या जॉइंट में डैमेज हो सकता है, इम्यून सिस्टम अगर आपका प्रॉब्लमेटिक, अगर मेडिसिन चल रही है तो आगे चल के, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर वीक हो तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी उनके केस में, कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ अगर हो उनके केस में, पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर हो उनके केस में, यानी खून कम जाता हो ऐसी जगहों पे, उनके केस में कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शंस, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राइट, सो रिमेम्बर ये सारी चीज़ें एनिमल यानी कि ह्यूमन बाइट की भी बारे में आपको पता होनी चाहिए। रेस्ट, इंसेक्ट बाइट के ऊपर हम बात कर चुके हैं थोड़ी अपने लास्ट टाइम इसी इसी में, तो थैंक यू सो मच, कोई सवाल हो जरूर लिखिए।